अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का जो आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ थ्योरी। थ्योरी भी इसको कहा जाता है, थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सेकंड चैप्टर आप लोगों का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि बेसिकली हम लोगों ने सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो चैप्टर का नाम है उसी टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को अडॉप्ट करने के बाद आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुँच जाते हो। मेरी लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया था मलेरिया जैसी डिज़ीज़ का हम लोगों ने क्योर तो खैर नहीं देखा था, ये डायग्नोज कर लिया था कि वो किस वजह से होती है, और वो किस वजह किया था बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करने के बाद ही किया था। ठीक है जी, जब हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का कोई ना कोई या आप ही समझो कि अगर स्टेप्स को यूज़ करने के बाद जो आपके पास एक फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है उसको पेश किया जाता है दुनिया के सामने। ठीक है, रिपोर्टिंग का रिज़ल्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मगर वही रिपोर्टिंग का रिज़ल्ट ही आगे चल के अगर उस पर अगेन अगेन टेस्ट होता जाए तो हमारे पास थ्योरी या थ्योरी बन जाती है, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ थ्योरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। थ्योरी क्या है? इफ़ अ हाइपोथेसिस स्टैंड एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड इज़ नेवर रिजेक्टेड, अगर हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए और हर दफ़ा उसका रिज़ल्ट ठीक आ जाए, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है सबूतों की या एविडेंस की, इसको थ्योरी कहा जाता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो थ्योरी का मतलब होता है कि अगर आपने बार बार हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, हर दफ़ा हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद उसका रिजल्ट सेम ही आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक थ्योरी जो है वो बन सकती है। मगर वैसे भी आपको पता है लेग बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोई किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। तो इसी तरीके से थ्योरी में भी जब बनती है तो लोगों की हर मुमकिन कोशिश होती है, जो साथ वाले साइंटिस्ट हैं हर मुमकिन कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कीड़ा निकाला जाए ताकि जो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जाए। और थ्योरी मोस्टली रिजेक्ट भी हो जाती हैं, और थ्योरी के बाद वाली चीज़ जो नहीं रिजेक्ट होती वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी हमारे पास क्या होती है, वो प्रोसेस है, अगर हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करो और टेस्ट करने के बाद हर दफ़ा जो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वो थ्योरी बन जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा सबूतों की जो होती है वो सपोर्ट हासिल होती है, एविडेंस की सपोर्ट हासिल होती है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ज़मीन कैसे वजूद में आई है, वो बेसिकली थ्योरी ही है हमारे पास। ठीक है जी, थ्योरी को अगर बार बार टेस्ट किया जाए, ऐसा थ्योरी में एक और होती है प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी भी होती है जो कि गुड थ्योरी होती है, जो कि मज़ीद उससे आगे लॉज वगैरह बनाए जा सकते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। तो हमारे पास जब थ्योरी को अगेन अगेन टेस्ट किया जाता है और वो हमेशा ठीक होती है तो हमारे पास लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। लॉ जो होता है या प्रिंसिपल कब बनता है? गुड एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी बिकम लॉ और प्रिंसिपल। अच्छी और इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है जिसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। याद रखिए, लॉ या प्रिंसिपल जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, इसको फिर कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई इंसान या कोई ताकत जो है इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करते हो रिजल्ट ठीक आता है तो वो क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है। और जब आप बार बार थ्योरी को टेस्ट करते हो और हर बार थ्योरी का रिजल्ट जो है वो ठीक आता है तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है, ये गुड होता है और इररिफ्यूटेबल होता है। इसका मतलब है कि इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डी विनबर्ग लॉ, क्योंकि हम लोग बेटा बायो पढ़े इस वजह से, वैसे आप लोगों ने फिजिक्स में 9th क्लास अभी आप लोग पढ़ोगे, न्यूटन के लॉज पढ़ोगे, न्यूटन के जो 3 लॉज हैं वो लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। बायो में हार्डी विनबर्ग लॉ है, ये जो लॉ है ये बेसिकली क्रोमोसोम्स के बारे में है, क्रोमोसोम्स के बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे। और उसके बाद दूसरा जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। मेंडल जो था हमारे पास साइंटिस्ट था जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इसने जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया और इसने डिफरेंट लॉज पेश किए हैं 2 या 3, तो ये इसके जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का उर्दू मतलब विरासत होता है, क्योंकि मेंडल ने जीन्स पे और जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था, तो इसका जो इसके लॉज है उनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये 2 लॉज की एग्जांपल आपकी बुक में भी मेंशन है। तो थ्योरी क्या होती है कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस ठीक होएगा तो थ्योरी बन जाएगी, और अगेन एंड अगेन थ्योरी को टेस्ट किया जाए और उसको फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाती है, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो हमारे पास लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी मेंशन है हार्डी विनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों जो है हमारे पास क्या होते हैं। तो हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट जहाँ से किया था, रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, करते करते फाइनली हमारे पास लॉ या प्रिंसिपल बन गए। तो अगर हम लोग एक फ्लो शीट या स्केच बना के इसको देखें बायोलॉजिकल मेथड का बेसिकली, तो वो आप देखोगे कि कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, बायोलॉजिकल मेथड जो था, ये जो सेकंड चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो पूरी कहानी पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्या था सबसे पहले हमारे पास क्या था, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
पहले रिकॉग्निशन की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसके बाद उस पर क्या की जाती है जी, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है मुशाहदा किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस के बाद हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है आइडिया ऑफ अ पर्सन। फिर उस पर्सन के आइडिया में से एक आइडिया लेना है, दैट इज़ नोन एज डिडक्शन। डिडक्शन के ऊपर क्या किया जाता है जी, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि हमारे पास दो ग्रुप यूज़ होते हैं, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो थे वो यूज़ होते थे। तो पहले बायोलॉजिकल पर्पन रिकगनाइज हुआ, फिर ऑब्जर्वेशन की गई, फिर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से डिडक्शन, डिडक्शन से एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो होता है, अगर इसका रिजल्ट ठीक आ जाए तो फिर उसको क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। जब रिजल्ट का समराइजेशन हो जाती है, फिर उसको दुनिया के सामने रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट होता है। यहीं तक अपन लोगों ने देखा था ना, उसके बाद अगेन एंड अगेन अगर टेस्ट हो इस रिजल्ट को, तो वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है। और फाइनली थ्योरी को जब आप टेस्ट करते जाते हो तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करने के बाद फाइनली हम लोगों ने एक लॉ बना लिया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। आज का बस हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद थोड़ा सा देखेंगे, सेकंड चैप्टर भी हमारा इंशाल्लाह ताला जल्दी खत्म होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को बायो समझ आ रही होगी। कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में जाके मेरे से पूछ सकते हो, या कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में जाके मेरे से कह सकते हो। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी पढ़ाने की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।